चाह रहे हैं कि अच्छी पार्किंग हो, क्योंकि जो सीधी पार्किंग है उसको पार्क करना भी एक मसला है, बार बार आगे पीछे मतलब तो आराम से पार्क हो जाती है, इजीली भी गलती चली जाती है गाड़ी। तो वो ये कह रहा है कि हम खुद ये चाह रहे हैं, तो कह रहा है कि क्या इनसे मैंने भी कहा है और आप इनसे बोलो कि कोई 10-12-15 आदमी जैसे आपको मेरे पास आए ना DIG ऑफिस पहुँच जाओ, ऐसा हो नहीं सकता कि मिले नहीं सही समझे आए ना। तो मैं समझता कि अगर आप DIG ऑफिस चले जाओ, वो कह रहा है क्या कर चले जाए तो वो लाजमी मुझे ही बुलाएगा और SO को बुलाएगा, और बोला हमें जब बुलाएगा तो हमने वहाँ पे ये कहना है कि सर ये आपने रमजान के लिए कहा था तो हमने तो सीधी करा दी थी, लेकिन वैसे आम दिनों में ये सीधी नहीं हो सकेगी। तो बोला वहाँ जब तक वो ओके नहीं करेगा और हम भी नहीं कर पाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात की सर के DIG साहब से जाके हम गए थे DIG ऑफिस, वहाँ एटलीस्ट PSO उनका है, उन्होंने कहा मैं आपको टाइम लेके कल बुलाता हूँ, आज ईद के बाद 15 दिन हो गए आज तक टाइम नहीं दिया, DIG फोन काटता वो टाइम देने के लिए तैयार ऑफिस गए थे, हम गए थे 8-10 आदमी गए थे, उनका PSO एटलीस्ट उसने नंबर लिया कॉन्टेक्ट लिया, बोला आज नहीं कल हम आपको बुला लेते हैं, DSP को बुलाते हैं, SO को बुलाते हैं, आपकी मीटिंग करा देते हैं कल, आज से ये कल नहीं होगी। अगर आप ये टाइम जो मांग रहे हैं ना, देखिए आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमें इतनी सी फेवर दे दें कि अभी ये जो रोड पे हर्डल मचाया है ना जिसको कर रहा है, ये तो यही का इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यही का रोड इम्प्लीमेंट, ये के ये आ रहे हैं बैरियर लेके आ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या गाड़ी को उठा रहे हैं, एक तो ये रिलीफ दे दें ठीक है, जब टाइम मिल जाएगा तो आप अपने SSP को DIG को बताते सर, नहीं आप बताते क्यों करते कि ग्राउंड रियलिटी में क्या हो रहा है, इसी तरह SO जो है यहाँ का मौजूद है, DSP के पास इतने अख्तियार नहीं है कि वो ग्राउंड रियलिटी में बताएगा। इसमें क्या हो सकता है कि आप जिनसे इन लोगों की बात हुई है वो जब BA उसका मिलाप तो भी इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, नंबर दिया है मुझे ला बेटा बात करो।